सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ का फरमान। एक हूँ एक हा, एक नजरों में एक ही एक हर अंदर सुहा रहा। जंचर बंचर जड़ चेतन ओ हर्षा रहा। इक्को रूप तुम्हारा, इक्को रूप तुम्हारा। शरीर दी बनावट अलग अलग, कोई पतला कोई भारा, कोई गोरा कोई काला। उपरोक्त कथन के अनुसार ईश्वर को सर्वव्यापक जानते व मानते हुए मन में समभाव का विचार जागृत करो और आत्मीयता के भाव का विकास करो। ऐसा करने से विषयाशक्ति की भावना शांत हो जाएगी, मन अनंत शक्ति की ओर, दिव्य ज्ञान की ओर, दिव्य प्रकाश की ओर स्वयं अग्रसर हो जाएगा। इस तरह समभाव का विचार आपकी बुद्धि की समस्त पाबंदियों और कमजोरियों का नाश कर उसे निर्मल व प्रकाशित अवस्था में ले आएगा और निर्भय एवं स्वतंत्र पद पर आसीन कर देगा। आशय यह है कि ऐसा होने पर आप जीवन की यथार्थता को जान यथार्थता पूर्ण निर्विकारी जीवन जीने के योग्य बन जाओगे और परमात्मा नाम कहाओगे।